परिषद और शिवसेना की रैलियों को लेकर पहले से ही चुनौती कम नहीं थी कि इसी बीच तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आज चिता पूजन और 6 दिसंबर को लेकर जो अगर कुछ सरकार नहीं करती है राम मंदिर पे आत्मदाह की चेतावनी देकर एक बार फिर मुश्किलों में डाल दिया है। आइए हम बात करते हैं परमहंस दास से कि क्या है पूरा मामला। महाराज जी, आप आज क्या करने वाले हैं, क्या है आपका कमिटमेंट? देखिए, ऐसा है कि 6 दिसंबर को जो मैंने घोषणा किया था आत्मदाह करने की, 5 दिसंबर तक का मैंने टाइम दिया था माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि यदि आप बहुसंख्यक समाज के साथ जब जो आप वादा किए हैं उस वादा को पूरा करने का कोई एक ठोस आश्वासन दीजिए। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राम मंदिर के नाम पर आज मेयर से राष्ट्रपति तक सब बीजेपी के हैं। दूसरे की गवर्नमेंट होती थी तो रोज हल्ला करते थे, लेकिन आज इनकी स्टेट में भी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, लेकिन राम मंदिर के लिए जब भी चर्चा होती है छोटे छोटे नेता बोलते हैं आज कुछ कल कुछ, लेकिन मोदी जी आज तक खामोश हैं, आज तक अयोध्या नहीं आए, इससे हम लोग दुखी हैं। और आज 2 बजे से 4 बजे तक मेरा जो है चिता पूजन का कार्यक्रम है, मैं अपनी चिता अपने से सजा के आज उसका पूजन करूंगा। और 5 दिसंबर तक यदि मुझे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है बीजेपी से तो 6 दिसंबर को मैं अपने आप आग के हवाले कर दूंगा, और फिर जो जनाक्रोश होगा उसको बीजेपी समझेगी, दुनिया सब समाज उनको बताएगा कि एक हिंदू धर्माचार्य तपस्वी जी की छावनी के महंत बड़े सरकार स्वामी परमहंस दास राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी चिता स्वतः जला के उसमें जल गए। तो बीजेपी से जब ये सवाल होगा उसका जवाब न अमित शाह के पास होगा, न तो जोगी के पास, न तो मोदी के पास। अच्छा होगा यदि ये राम मंदिर बना देंगे तो 100 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता है, यदि राम मंदिर नहीं बनाते हैं तो फिर बीजेपी का विनाश तय है। महाराज जी, हिंदू परिषद का संत महाशय है यहाँ पे, शिवसेना भी आ रही है, इस बीच आपका ये ऐलान, आपको कैसे क्या लगता है कि कोई ये सब प्रशासन करने की अनुमति देगा? ठीक कर रहा है, ऐसा शासन प्रसंग जो है हमारा तो पहले से मैंने ऐलान किया था। ऐसा है, देखिए इसमें जो भी हमारा कार्यक्रम है हमने एक शांतिपूर्ण ढंग से किया था, लेकिन बीजेपी जो है इस समय डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपना लिए है उससे हम लोग आहत हैं। और आज चिता पूजन करूंगा, 6 को मैं आत्मदाह करूंगा। अब प्रशासन क्या करता है, प्रशासन तो हमारे साथ पहले भी बर्बरता कर चुका था। अरे एक बार जो है तो मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, कितने राम भक्त मर गए, एक बार जोगी भी गोली चलवा ले हमारे जैसे साधु जो है पहले मर जाए, तो उसमें जो भी हो लेकिन आर पार की लड़ाई है, आचार्यों फूट डाल दे, चाहे मनोहर पारिकर जैसे लोग कहे कि हम बीप की कमी